साथ धोखाधड़ी हुआ है, कहाँ वो लोग भी चले गए, आइए जानते हैं कुछ लोगों से। ये झांसा कब से मिल रहा है? हम तो 20 तारीख से मिला है मैडम झांसा। आपने जैसे लोग कितने लोग हैं? 4-5 हजार लोग हैं। 4-5 हजार लोग, ध्यान दीजिए, 4-5 हजार लोगों का पैसा यहाँ पर डूबे है। प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये देख सकते हैं होम क्रोन कॉर्पोरेशन के नाम से दिया गया है, इसके लिए किसी प्रकार से कोई जानकारी और नहीं दिया। नहीं, जानकारी नहीं मिला हमें। आपके साथ भी कुछ हुआ है? मेरे मिसेज के साथ भी हुआ है, मंगल सूत्र रख के वो 2,500 लाख रख के, मंगल सूत्र रख के 2,500 लाख दी। तो आप लोगों ने पूछने की कोशिश नहीं की ये पैसा क्यों ले जा रहे हैं? वो बोले कि भाई ये हमारा माल लेके भाग जाओगे तो इसका सुरक्षा हम 2,500 पहले लेते हैं, उसके बाद आपको 15 दिन में माला घूस कर दूंगे तो 3,500 रुपया मिलेगा। आप भी कोई यहाँ पर लोगों का गुस्सा आक्रोश जो है चलता जा रहा है लगातार, यहाँ पर लोग अपने पैसों को लेने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा क्या क्या इनको इनकी मेहनत का पैसा मिल पाता। आप बोल रहे हैं परसों एक आदमी को लेकर आया तो करवाने के लिए, है ना? तो मैं पूछा हाउस को पूछा मैं कि आप भगोगे तो नहीं, तो क्या बोलता है अमेजोन से लिंक है, अमेजोन से टाइप है ऐसे करके बोला। अमेजोन से अगर एक टाइप है तो आप लोगों ने और कुछ छानबीन करने कोशिश नहीं की? क्या करेंगे मैडम छानबीन, जब जब सब पटा रहे करके हम भी झांसे में कैसे आए? झांसे में आए मैडम सब, यानी कि इतना जन से जुड़े हैं तो सब बेवकूफ तो नहीं होंगे, ऐसे करके हम भी जुड़ गए। जब आप सुबह यहाँ पर आए तब क्या नजारा था यहाँ का? लेकिन ये घर मालिक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए मैडम, ये किस वजह से दिया इसको किराया में? ये तो प्रशासनिक ही कहे कि किस वजह से, लेकिन हम किसी को भी अगर कहीं किराए में दे रहे हैं उसका जांच पड़ताल होकर ही किराए में देते हैं। हम कहीं अगर कहीं किराए में है तो अपना आई डी लेंगे तब हमको किराए में देंगे, है ना? इसके लिए ये घर वाले के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, घर वाले होना चाहिए। यहाँ पर लोग इतने आक्रोशित हैं कि सुनने को भी तैयार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्कीम क्या था, कोई बताएंगे स्कीम? बताए मैडम, हो क्या बताया थे आपको, क्या बता के लाया आपको? ये बताया गया था लोन कि आप अगर 2,500 दोगे तो आपका यानी नौकरी मिलेगा। किसने कहा था कि आप वो वहाँ से कुछ करते हो? आप उसको जानते थे पहले? पहले तो उनको जानते थे, आपको क्या बोलते लाया गया? किसी ने बोला और आप दौड़ पड़े, आपने जानने की कोशिश नहीं की ना मैडम? हमारी भी गलती कि हम जानने की कोशिश नहीं किए, और हमको जो अगला बताया ये बोला कि आपने घर पैसा नहीं दिया। अभी आप सुनने आए थे, मतलब आप बाल बाल बच गए? दाना चुपके उड़ गई है चिड़िया, चिड़िया जो है दाना चुपके
दुर्ग शहर की जनता को, एक भोले भाले नागरिक को, महिलाओं को, मेहनत कर महिलाओं को एक उल्लू बना करके उनसे 2500 रुपए ले करके रखू चक्कर। आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, आप इनके झांसे में कैसे आए? मेरी श्रीमती जी आई है झांसे में और गृहिणी को 3500 रुपए अगर देने की बात आए 15 दिनों में, तो कोई भी गृहिणी है वो दौड़ कर आएंगी 3500 रुपए मुझे 15 दिन में कमाने का अवसर। मैं दुर्ग शहर या और पूरे प्रदेश की जनताओं को जागरूक करने के लिए मैं कहता हूँ कि ऐसे सब फर्जी स्कीमों से दूर रहे। आपको 15 दिन में 3500 रुपए कोई नहीं देगा कमाने। जब तक ये भोली भाली जनता अपने इस तरह के कृत में विचार नहीं करेंगे तब तक लोग जो है बेवकूफ बनते रहे, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है ये जो मोती वाला जो गिरोह है वो क्या लोगों का पैसा या मोती वापस करेंगे? गिरोह तो इतनी बड़ी घोटाला की उनके जो कर्मचारी हैं वे भी आज थाने में बैठे हैं, उनको 3 महीने से उनको पगार नहीं मिला है, वे भी थाने में आज कंप्लेन करके बैठे हैं। मेरी जानकारी तो कल ही आया क्योंकि मेरी श्रीमती जी ने बताया कि 2500 रुपए जमा करने के बाद ये करीब मेरी श्रीमती जी का करीब 8000 नंबर का आईडी है, 8000 नंबर का आईडी है और बताई कि वे उनके बाद भी 1000 लोग वहाँ पे लाइन लगाए हुए थे, करीब 9000 लोगों से 2500 रुपए वसूल करके भगी ये कंपनी। 2500 लोग 2500 को इंटू आप 9000 करेंगे तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए होते हैं, करीब 2.5 करोड़ का घोटाला किया ये कंपनी ने। 2.5 करोड़ तो अभी दिख रहा है आंकड़े की बात अगर कर रहे हैं तो मैं जाने कितने करोड़ की बात होती है, अभी क्लियर नहीं होती। ऑनलाइन का अलग है। ये जो घोटाला हुआ है इसमें दुर्ग नगर निगम भी संलिप्त है, जिन्होंने इनको गुमास्ता लाइसेंस प्रदान किया है, गुमास्ता लाइसेंस उनके ऑफिस में चस्पा हुआ था और 8 पुरुष 4 स्त्रियों का भी उन्होंने कर्मचारियों का ब्यौरा दिया हुआ है। मैं बोलता हूँ कि निगम अगर ऐसा कुछ उनको गुमास्ता लाइसेंस नहीं देती तो ये आम जनता कभी नहीं ठगती। कहीं ना कहीं निगम प्रशासन इस पर जिम्मेदार है, निगम को कार्रवाई करनी चाहिए और हम चाहते हैं कि वो निगम कार्रवाई करके जो कुमार सानू व्यक्ति है उनको जल्द से जल्द ढूंढ के सारे गरीब जनता का पैसा वापस करें।
पर्दाफाश हो चुका है, लोगों की करोड़ों रुपया लेके ये कंपनी यहाँ से गायब हो चुकी है। उनकी आगे की क्या योजना है ये तो प्रशासनिक जांच पर ही पता चलेगा। ये जो नीचे तबके के ऐसा कहना गलत है क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं जो यहाँ कर इन्होंने अपनी कड़ी कमाई जो है इनके हवाले कर दी है। अब देखना ये होगा कि क्या इनको इनकी कमाई का पैसा मिलता है। बहरहाल बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ, तब तक के नमस्कार।